नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि जो फ्यूचर है वो अभी हम बात कर ले प्रेजेंट के अंदर या दोस्तों फ्यूचर के अंदर भी, दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। गाइस, हम बात करने वाले हैं एक यहाँ पर लीक्वर सेक्टर कंपनी के बारे में, मतलब हम यहाँ पर एक दारू बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही सस्ते भाव पर सिर्फ यहाँ पर 13 से 14 रुपए के भाव में मिल रही है, और फ्यूचर में गाइस सभी लीक्वर की जितनी भी कंपनी है उनसे बड़ा बनते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ गाइस हम आपसे एक 30 रुपए का ऐसा स्टॉक बताएंगे जो कि गाइस फ्यूचर में एक मल्टी बैगर प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो सिर्फ गाइस दो स्टॉक मैं आपसे बताने वाला हूँ, दोनों के ऊपर पूरी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये स्टॉक हमको अच्छा और मोटा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। गाइस बीच बीच में आपसे मैं एंट्री प्राइस और कैसे आपसे को इन कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करते चलना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर दीजिए। हमारी यहाँ पर 26,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, तो दोस्तों इसका हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल है उसको जरूर ऑन कर लेना। तो गाइज अगर हम सबसे पहले जो हमारे अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी होती हैं चेक करें, तो गाइज मैंने यहाँ पर सर्च किया तो लगभग यहाँ पर 19 रिजल्ट सामने आ गए, जिसमें हमारे जो यूनाइटेड स्पिरिट है, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, रेडिको खेतान काफ़ी अच्छी कंपनी है, और ऐसे करें गाइज जो आज के टाइम में पिकाडिली एग्रो ने बहुत ज़्यादा नाम किया है, तिलक नगर इंडस्ट्री है, तो ऐसे करके बड़े बड़े नाम है। पर अगर देखा जाए तो इन सभी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे गाइस इन कंपनियों का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और अगर इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 20%, 30% या यहाँ पर 50% का प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा भाग चुकी हैं। पर गाइस जो हमारी आज वाली कंपनी है वो बहुत ही अच्छा हमको प्रॉफिट है जो निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में, आज के टाइम में 14.85 रुपये के पास इस कंपनी का प्राइस है, पिछले एक महीने में 4.5% का प्रॉफिट बनाकर दिया है, 5 साल का अगर आप डाटा चेक करेंगे तो 2300% का बहुत ही अच्छा और मोटा इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाकर दिया है। गाइज इस कंपनी को हम 3 रुपये से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसके बाद दोस्तों बीच बीच में कई बार ये कंपनी को हमने सेल करने को बोला है और यहाँ पर बाय करने को भी बोला हुआ है। जैसे कि आप सभी चेक करेंगे YTD में तो आज के टाइम में अपने हाई से 23% के डिस्काउंट में है गाइस, अगर यहाँ पर चेक किया जाए, और हाई कंपनी का 30 जुलाई को लगा था जिसका कि अगर हम प्राइस चेक करें लगभग 20 रुपये के पास था, तो आज के टाइम में गाइस कंपनी डिस्काउंट में है। हर कंपनी गाइस इस तरह चलती है, कभी प्रॉफिट बनाकर देती है, फिर यहाँ पर डिस्काउंट आता है, फिर गाइस कंपनी ऊपर भागती है, फिर डिस्काउंट आता है, तो गाइस ये कंपनी भी इस तरह चल रही है। तो हमको गाइस कब बाय करना है, जब कंपनी यहाँ पर अच्छे डिस्काउंट में आएगी, जैसे कि हमको ये दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा था। तो हम बात कर लें गाइस इस कंपनी के और जो डाटा के बारे में, तो आज के टाइम में सिर्फ 475 करोड़ का ये कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम यहाँ पर बिजनेस चेक कर लें तो चेक करेंगे जो हमारी कंपनी है लिक्वर की मैन्युफैक्चरिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हुए रहती है, और सामने गाइस जो इन कंपनियों के यहाँ पर ब्रांड है वो सामने देख सकते हैं गाइस, जो यहाँ पर दारू वगैरह पीते होंगे तो उनको यहाँ पर पता होगा, जो विस्की हो गया, रम, ब्रांडी हो गया, और गाइस ऐसे करके जितने भी यहाँ प्रोडक्ट हैं ये कंपनी बनाती है। जैसे कि आप सभी चेक कर सकते हैं गाइस, हमारी कंपनी एक यहाँ पर CIL है, तो गाइस उसका पार्ट है, जिस कंपनी का नाम हम जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। तो आप सभी यहाँ पर चेक करेंगे तो गाइस पहले ये कंपनी यहाँ पर कुछ और काम किया करती थी, जिसमें गाइस यहाँ पर ब्लॉक पंप वगैरह होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसके अंदर काम किया करती थी, पर गाइस तब ये कंपनी का बिजनेस उतना नहीं चलता था। फिर गाइस इसके बाद ये कंपनी ने गाइस जो हमारा इंडियन मेड फॉरन लीकर है बेवरेज का काम है, दारू काम है, उसके अंदर अपनी एंटर की, जिसके बाद गाइस ये कंपनी उड़ते हुए नजर आ रही है, बहुत ही मोटा प्रॉफिट बनाकर दे दिया है। सर्विस ऑफर में आज के टाइम में भी ट्रेडिंग इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, तो गाइस ये काम करती है, इससे मेरे हिसाब से कंपनी को कोई खास जो रेवेन्यू नहीं होता, पर आज के टाइम में जो हमारा अल्कोहलिक है इससे ये कंपनी को बहुत ज़्यादा जो लाभ होता है। ब्रांड्स एंड टाइप में चेक करेंगे तो गाइस हमारी कंपनी ने लो कॉस्ट लिक्वर के साथ जो टाइप करके रखे हैं, जैसे कि आप सभी चेक करेंगे मैग्नम गोल्ड प्रीमियम विस्की, गोल्ड मार्क, डेक्कन ब्लू विस्की, और ऐसे करके गाइस और जितने हमको जो दारू वगैरह का ब्रांड है वो देखने को मिल जाता है। रेवेन्यू में हम यहाँ पर चेक करेंगे सेल ऑफ गुड्स से लगभग 61 और सेल ऑफ लिक्वर से ये कंपनी को 33% का जो रेवेन्यू बनता है। आज के टाइम में मार्केट कैप 475 करोड़ के पास है, हाई कंपनी 21 के पास लगाकर आई थी, लो कंपनी का 14 रुपये, और इस कंपनी का मैं 3 रुपये से डिस्कस करता आ रहा हूँ, काफ़ी पहले से ये कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो जरूरी और इम्पोर्टेंट ये कंपनी की सेल, तो आप सभी चेक करेंगे मार्च 2020 में जो ये कंपनी की सेल सिर्फ 59 करोड़ के पास थी, इसके बाद 85,
111, आज के टाइम में 174 करोड़ के पास ये कंपनी सेल की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट में आपसे भी चेक करेंगे तो 8 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कर लिया। अगर इस प्रॉफिटेबल कंपनी आज के टाइम में डिप में, तो हम इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं। सेल्स ग्रोथ में चेक करेंगे, पिछले 10 साल में 29 का ग्रोथ देखने को मिला है, और टीडीएम में यहाँ पर चेक करें 38, प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्टॉक का सीएजीआर चेक करेंगे, पिछले 10 साल में 30 और एक साल में 155% का ये कंपनी ने सीएजीआर निकाल कर दिया है। आरवी कंपनी का 12% हमको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप रिजर्व पे नहीं डालेंगे तो आज के टाइम में 134 करोड़ का रिजर्व है, और 66 से बढ़कर 134 हुआ है। कर्जा कंपनी में सिर्फ 29% हमको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जब कंपनी में प्रमोटर बढ़ने चालू हुए थे 55 से, हम यहाँ पर चेक करें काफ़ी टाइम पहले ही सितंबर 2023 के बीच में ही जो इस कंपनी में प्रमोटर बढ़ चुके थे, तब से इस कंपनी को हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आज के टाइम में भी डिस्कस किया है, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। दोस्तों फिर से आप सभी इस कंपनी का नाम चेक कर सकते हैं, कंफर्ट इंटेक लिमिटेड। अभी दोस्तों वीडियो छोड़कर नहीं जाना, अभी इस कंपनी में कैसे हमको काम करना है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और गाइज अगर हम यहाँ पर देख लेंगे इस कंपनी का वॉल्यूम, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले वॉल्यूम देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कंपनी में वॉल्यूम नहीं होगा, खासकर पैनी कंपनी में, तो भाई बाद में आपको सैलर वगैरह नहीं मिलने वाले, तो आपका पैसा यहाँ पर फंस जाने वाला है। तो आज का वॉल्यूम 11 लाख, कल चेक करेंगे 6 लाख, डिलीवरी में भी सेम 100% माल उठाया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा है, जो प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आपसे भी चेक कर सकते हैं इस कंपनी चार्ट पर, तो भाई मैंने आपसे वो कंपनी इस लेवल के पास ही डिस्कस किया था, जब गाइस ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर, पिछले ऑल टाइम हाई तोड़कर दोबारा यहाँ पर उठने चल रही थी। इसके बाद बार बार जब कंपनी में डिप आया, गाइस इस कंपनी को मैं डिस्कस करता रहा। आज के टाइम में जैसे कि आपसे चेक करेंगे दोबारा कंपनी में डिप है, तो आप चाहो तो कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हो। जैसे कि आप मान लो 1000 रुपये लगाना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर 300 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि गाइस क्या होता है ये कंपनी हमेशा 50 और 200 ई एम आई से टकराती है, उसका ऊपर जाती है। तो हो सकता है गाइस दोबारा थोड़ा सा कंपनी और नीचे आए, जो हमारे 200 ई एम आई है भाई उसके पास टकराए, फिर कंपनी ऊपर जाए। इसलिए गाइस कह रहा हूँ यहाँ पर 300 भागे कंपनी नीचे आती है, तो आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी गाइस आपको इस कंपनी में बाय करना है, सेल करना है, आपकी अपनी मर्जी है। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। गाइस मैं कैसे काम करता हूँ वो मैं आपसे भी बता रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। और दोस्तों लोग पूछते हैं कि यार मल्टी वैगर स्टॉक कैसे देखते हैं, तो गाइज जो स्टॉक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, गाइज ये ऑलरेडी मल्टी वैगर बन चुका है। इस कंपनी को 6 रुपये से डिस्कस करना चालू किया था, 6 से सीधा भाई 30 रुपये के पास ये कंपनी को बेचा था। फिर गाइज कंपनी में थोड़ा डिप आया था, 22 रुपये 28 रुपये के पास गई थी, सॉरी 22 से 24 के पास गई थी, फिर कंपनी को उठाया, और आज तक गाइज ये कंपनी में मैं बना हुआ, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। चेक करेंगे पिछले एक साल में 84% का रिटर्न बनाकर दिया है, 5 सालों में 223% का रिटर्न है, और मैक्स के अंदर आपसे भी चेक करेंगे 700% का। तो इस टाइम में जब गाइस कंपनी बिल्कुल ही नीचे चला करती थी, तब से गाइस ये कंपनी को मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, और आज के टाइम में चेक करेंगे गाइस यहाँ पर कंपनी गई है और फिर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाकर दिया है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ अभी 500 करोड़ के पास है, डेफिनेटली यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ये कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर चेक कर लें, मेनली गाइस ये कंपनी हमारे बैंकिंग, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फील्ड ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस की जो मैनेजमेंट होती है वो संभालती है। जिसमें गाइस कंपनी का अगर हम सर्विस चेक कर लें, तो हमारा CMS जो जिसको हम कैश मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग, पिकअप सर्विस, CTS क्लियरिंग और ऐसे करके भाई जितना भी यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा का सारा जो सर्विस है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आप कंपनी का नाम चेक करेंगे, एरन है भाई। ये कंपनी को मैं कब से डिस्कस करता आ रहा हूँ कि ये एक मल्टीवायर कंपनी है, हर प्राइस पर इस कंपनी को डिस्कस किया। आज के टाइम में गाइस बहुत ही अच्छी कंपनी हमको जो प्रॉफिट है निकाल कर दे रही है। आपसे भी चेक करेंगे IDBI बैंक है, पेटीएम, इंडोसिंड, HDFC, साउथ इंडिया, कोटक बैंक, तो जितनी बड़ी कंपनी है गाइस सारा का सारा जो अपना काम है हमारी इस कंपनी से करवाते हैं। तो आप सोचिए भाई कि ये कितने बड़े लेवल के पास काम करिए, कितने बड़े बड़े कंपनी क्लाइंट है, तो क्या ये मल्टीवैगर बन सकती है या नहीं, तो गाइस मल्टीवैगर बन सकती है और बड़ी भी ये कंपनी बहुत ही जल्दी यहाँ पर बन सकती है। अगर हम यहाँ पर चेक करें मार्केट कैप 514 करोड़ के पास है, ROC 13, आवरी कंपनी ने 10% निकाल कर दिया। शुरू से लेकर गाइस अभी तक इस कंपनी जो प्रमोटर हैं 72% के पास होने हैं, जो कि ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि कंपनी सस्ते में थी, फिर भी कंपनी का प्रमोटर यहाँ पर 72% के पास थे, आज के टाइम में 72% के पास है। तो गाइस बेचने का उनका कोई मूड नहीं है,
वो कंपनी को भगाएंगे। और भाई अभी भी आप चेक करिए, स्टॉक का पे सिर्फ 15 के पास है जबकि इंडस्ट्री 39 के पास ट्रेड हो रही है। भाई इतना भागने के बाद मैं अब कब से कह रहा हूँ भाई, 6-7 रुपये से कंपनी को मैं डिस्कस करता हूँ। आज के टाइम में 48 रुपये के पास गाइस कंपनी हाई लेकर आई है और 41 रुपये के पास अभी प्राइस है। फिर भी गाइस ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड जोन के अंदर मिल रही है। कंपनी में कर्जा चेक करेंगे 0.76 के पास है भाई, नाम मात्र का ही कर्जा कंपनी में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सेल्स में अगर आपसे भी चेक करेंगे, हर साल कंपनी की सेल बढ़ी है और किसी भी कंपनी में अगर ऐसे सेल बढ़ती है तो गाइस वो कंपनी प्रॉफिट बनाकर देती है। आज के टाइम में 108 करोड़ की कंपनी की सेल है और नेट प्रॉफिट यह कंपनी का 11 से बढ़कर 33 करोड़ के पास पहुंच चुका है। इस कंपनी का ओवरऑल डाटा चेक करें, सेल्स ग्रोथ का दोनों ही शानदार है, प्रॉफिट ये भी गाइस बहुत शानदार है। स्टॉक का CAGR पिछले साल तो 80 के पास रहा था और आर ए कंपनी का 10% आपको देखने को मिलता है। बैलेंस शीट में आपसे भी चेक करेंगे, 101 करोड़ का ये कंपनी का रिजर्व आ चुका है। लगातार ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपसे भी चेक करेंगे, 72% के पास गाइस काफ़ी टाइम से कंपनी में जो प्रमोटर बने हुए, जो कि इस कंपनी को लेकर बहुत ही अच्छी बात सामने आती है। तो फिर से आप सभी ये कंपनी का नाम चेक करेंगे एरन। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के वॉल्यूम और कुछ बाइंग लेवल या दोस्तों किस तरह हमको कंपनी में काम करना है उसके बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी चेक कर लेंगे, कंपनी फंडामेंटल टेक्निकल वाइज 75% पास है। इसी के साथ साथ 12 इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों आज के टाइम में अगर आप वॉल्यूम चेक करें तो आज का लगभग 3 लाख के पास कंपनी का वॉल्यूम है, कल चेक करेंगे 3 लाख और डिलीवरी में भी सेम अमाउंट उठाया गया। तो गाइस बाय सेल को लेकर तो इस कंपनी में गाइस कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों फाइनली हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में, तो आपसे भी चेक करेंगे गाइस ये कंपनी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर कब से काम कर रही है। और जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा से ही बताता आया हूँ गाइस, जब से मैंने चैनल चालू किया है, कि भाई जब कंपनी अपने हाई से गिरती है तब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाई पर किसी भी कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर गाइस ये कंपनी अपने हाई से लगभग 83% के पास टूट चुकी थी। भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर सोचते हैं भाई ब्रेकआउट में खरीदूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, भाई सारे के सारे लॉस के अंदर जाते हैं। पर जो बंदा भाई किसी कंपनी को सस्ते में खरीद लेगा, कंपनी को फंडामेंटल गाइस कैसे भी हो, मतलब थोड़ा बहुत सही भी हो, तो गाइस कंपनी को सस्ते में खरीदेगा फिर भी प्रॉफिट बना कर देगा। पर जिस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी का प्राइस बिल्कुल डाउन है, उसको खरीदेगा तो गाइस डेफिनेटली 100% पैसा बनेगा। गाइस इस कंपनी में पैसा बना, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना, आज तक यहाँ पर कंपनी में पैसा बन रहा है। यहाँ पर कंपनी का जो लो लगा था लगभग 14 रुपये के पास, फिर गाइस कंपनी यहाँ पर भागने चालू हुई थी। और इसके पहले गाइस चेक करेंगे, यहाँ पर कंपनी चला करती थी 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये के पास। तो यहाँ पर भी कंपनी को कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के टाइम में आप देख के समझ गए होंगे कि भाई ये कंपनी ने अपना जो पुराना हाई है उसको तोड़ दिया है और यहाँ पर सस्टेन कर रही है। तो गाइस ये ब्रेकआउट के पास है, हो सकता है गाइस यहाँ पर फेल भी हो पास भी हो। तो यहाँ पर गाइस कम इन्वेस्टमेंट करिए, अगर यहाँ पर पास होती है तो गाइस यहाँ से कंपनी दोबारा अप ट्रेंड जाएगी। पर इन केस गाइस दोबारा कंपनी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आती है, गाइस इस लेवल के पास आती है, दोबारा सपोर्ट के पास आती है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस ऑल टाइम हाई के पास थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना है और जब कंपनी सस्ते में तो ज़्यादा क्वांटिटी से हमने इन्वेस्टमेंट करना है। आप सिर्फ इतना रूल समझ लीजिए तब आप मार्केट में हमेशा ही पैसा कमाना चालू कर देंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना।